केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत की नई अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। रैली में पहुंचने पर सांसद संजय भाटिया ने अनुराग ठाकुर को जैवलिन भेंट किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं मेडल देने वाली हरियाणा की धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग पीएम मोदी को चाय बेचने वाला कहते थे, आज वही मोदी देश नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी तो चाय बेचते थे, कांग्रेस सरकार ने तो देश को बेचने का काम किया है। पीएम मोदी ने देश की 3 करोड़ जनता को पक्के मकान दिए, 12 करोड़ जनता को घर में शौचालय दिए, 80 करोड़ जनता को घर बैठे राशन दिया। उन्होंने कहा कि जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया, आज हमने उनको अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ दिया है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में जब कांग्रेस सरकार थी उस समय बड़े घोटाले होते थे, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला, कभी 2G घोटाला, तो कभी कांग्रेस के जीजा का घोटाला। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी ऐसा घोटाला सामने नहीं आया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले नाटक मंडली अब इकट्ठा हो चुकी है, चुनाव के बाद जनता इन पर हंसेगी। पानीपत में होने वाली इस रैली का नाम गौरवशाली भारत रैली रखा गया था, जिसमें शामिल होने के लिए अनुराग ठाकुर शताब्दी ट्रेन से पानीपत पहुंचे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।